మంత్రి అమిత్ షా హైదరాబాద్ లో బిజీగా గడుపుతున్నారు. పర్యటనలో భాగంగా హకీంపేటలో నిర్వహిస్తున్న సిఐఎస్ఎఫ్ పరేడ్ లో పాల్గొన్నారు. పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. సిఐఎస్ఎఫ్ 53వ రైజింగ్ డే సందర్భంగా పరేడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. పరేడ్ కు అమిత్ షా తో పాటు గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. అంతకు ముందు హకీంపేటకు వచ్చిన అమిత్ షా కు బీజేపీ నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. सीआईएसएफ परिवार का मनोबल व उत्साह बढ़ाया. सर्वप्रथम मैं इस बल के सहायक उप निरीक्षक एसपी पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने दिनांक 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी. मैं सीआईएसएफ के उन सभी वीर सपूतों का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने अमूल्य जीवन को न्योछावर कर दिया. कर्तव्य पथ पर 53 वर्षों की यात्रा में अब तक 127 सीआईएसएफ बल कर्मियों ने राष्ट्र के सुरक्षा यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी. सभी शहीदों को शत शत नमन. सीआईएसएफ की स्थापना के पश्चात यह पहला अवसर है कि आज यह 54वां स्थापना समारोह दक्कन के सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधित्व करने वाले मोतियों के शहर हैदराबाद में मनाया जा रहा है. सीआईएसएफ का इस नगर से गहरा जुड़ाव. यहाँ पर सीआईएसएफ की विविध क्षेत्रों में तैनाती जो इस बल के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाता है. सीआईएसएफ की क्षमता विस्तार के आधारभूत उपक्रम जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी मिश्रा, जहाँ पर हम ये समारोह मना रहे हैं, वह अग्निशमन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र फायर सर्विस ट्रेनिंग संस्था यहाँ स्थित है. इस नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, परमाणु क्षेत्र में संस्थान एनएक्सी, हेवी इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान डीएचईएल, सामरिक क्षेत्र का डीडीएल, भारतीय मुद्रा के लिए अग्रणी आईसीजी, ऐतिहासिक सलार्जंग म्यूजियम, देश के प्रमुख एयरपोर्ट में से एक हैदराबाद एयरपोर्ट और प्राइवेट क्षेत्र का प्रतिष्ठित भारत बायोटेक लिमिटेड जैसे संस्थान सीआईएसएफ की सुरक्षा कवच में है. हैदराबाद सीआईएसएफ के हर सदस्य के हृदय में के करीब है और हमारे लिए यह गर्व है का विषय है कि देश की राजधानी दिल्ली से पहली बार अब हमारा स्थापना दिवस आज इस सुंदर नगरी में संपन्न हो रहा है. परेड का यह आयोजन राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी के जिस प्रांगण में हो रहा है उसकी सुरक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए पूरे विश्व में पहचान है. वर्ष 1990 में स्थापित यह अकादमी न केवल हमारे देश के वरन दूसरे देशों के भी युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सुरक्षा विशेषज्ञ बनाती है. प्रशिक्षण के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोचिंग इस अकादमी ने अपने गौरवशाली अस्तित्व के पिछले 3 दशकों के दौरान उत्तरोत्तर प्रगति करी. महोदय, हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि वर्ष 2022 में सीआईएसएफ की राष्ट्रीय अकादमी को केंद्रीय गृहमंत्री की ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से नवाजा गया. इसी प्रांगण में हमारे अग्निशमन शाखा का प्रशिक्षण संस्थान एफएसटीआई भी स्थित है, जो अग्निशमन एवं अग्नि सुरक्षा में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक उत्कृष्ट संस्थान है. वर्ष 1999 में स्थापित यह संस्थान बल के सदस्यों को अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त यह संस्थान अन्य पुलिस बलों, विदेशी एवं दूसरे संस्थानों के लिए भी आपदा प्रबंधन एवं फायर फोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करता है. वर्ष 1969 में मात्र 3000 की छोटी सी संख्या से शुरुआत कर आज हमारे बल की संख्या 1,70,000 से अधिक हो गई. पिछले 5 दशकों में हमारी छवि
तथा कार्यशील उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है। सीआईएसएफ आज एक दृढ़ बहुआयामी एवं सुरक्षा